कोई इसे मॉर्निंग ट्यून भी कहता है, कोई इसे पहाड़ी धुन भी कहता है, आप इना मीना दीखा कहो या अब्बा डब्बा जब्बा, हम तो इसे राधे राधे कहेंगे। क्या कहेंगे? राधे राधे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीखना शुरू करते हैं बिल्कुल सरल, सटीक और सही अंदाज में राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये राधे राधे धुन सिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो के अंत में जो मुझसे पूछे गए प्रश्न है कमेंट बॉक्स में, मेरी वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पे, उनके कुछ जवाब भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक तकनीक सिखा रहा हूँ, इस तकनीक को आपको अलग से प्रैक्टिस करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है। जो टाइमिंग आना चाहिए, जो टाइमिंग मेरा आ रहा है, वही टाइमिंग आपका भी आना चाहिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, एक वीक में नहीं आएगा, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए पहले तकनीक सीखते हैं। साध साध रेसा रेसा गरे गरे, ये स्वर है। अभी जो साध साधा, उसको स्पीड से प्ले करना है, और स्पीड कैसी रहेगी? ऐसी ऐसी, ये देखो, साध 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 साध। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं, वैसा आवाज निकलना चाहिए, वैसा टाइमिंग निकलना चाहिए, ध्यान से देखना। साध साध, तो हो रहा क्या है कि वो साध साध बज रहा है बहुत स्पीड में, साध साध, है ना, साध। ऐसे ही रेसा करना है, रेसा 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 कर रहा हूं मैं, लेकिन स्पीड से कर रहा हूं, गरे 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 गरे। ऐसे ही पग 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 पग, ऐसे ही धप 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 धप, ठीक है। ऐसे ही वापस तार सप्तक का साध, तार सप्तक का सा साध साध, है ना। फिर वही नोट आपको ऊपर तार सप्तक वाले ग तक ले जाना है। अगर आपको स्वरों की जानकारी नहीं, तार सप्तक की जानकारी नहीं, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जाइए आई बटन पे जाइए, ऊपर क्लिक करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तकनीक का आवाज कैसे आएगा? हाथ को बड़ा, फिंगर्स को लूज रखना है, पेशेंस रखना है ना, और बहुत ज्यादा अलर्ट रहना, ताकि आप खुद सुन पाओ माइनर सेकंड की डिटेल्स और आप सही चीज को एकदम से कैप्चर कर पाओ। तो साध रे सा गरे गरे तब 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 साध रे सा रे सा गरे गरे, समझ में आ गया, ये तकनीक है। अब ये कहां अप्लाई करनी है वो मैं आपको अलंकार रूप फ्रेज सिखा देता हूं। धसारे सा धसारे करे सारे ग प ग रे ग प ध प ग प ध सा ध प ध सारे सा धसारे करे। फ्रेज क्या है? ये वाला फ्रेज है, वापस रिपीट कर रहा हूं। प लोअर प स्टार्ट करना है मंत्र का, प धसारे प धसारे सा धसारे करे सारे गा पा गा रे गा पा धा पा। इसको नॉर्मल प्ले करना, नॉर्मल प्रैक्टिस करना है ना। पहले नॉर्मल करोगे रेगुलर प्रैक्टिस एक वीक तक, फिर उसके बाद इस पूरे फ्रेज में वो तकनीक को अप्लाई करना है। कैसे करना है समझाता हूँ। पहले फ्रेज को ध्यान से समझ लो। प ध सारे सा ध सारे ग रे सारे गा पा गा रे गा पा धा पा ग प ध सा धा प ध सारे सा धा सारे ग रे। अब दोस्तों, आपको ना जो सेकंड वाला फ्रेज है उसमें पहली वाले तकनीक अप्लाई करनी है, जो मैंने पहले तकनीक सिखाई आपको, वो स्पीड वाली है ना। फ्रेज पता है, तकनीक पता है, कैसे अप्लाई करनी है देखो ध्यान से। प ध सारे, अभी जो रे आ रहा है प ध सारे सा, इस फ्रेज में रे पे आपको वो तकनीक डाल देनी है। तो उसका कैसा आवाज आएगा? पहले मैं सिंपल फ्रेज प्ले कर रहा हूं, जो आप मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है ना। अब वो इसमें टेक्निक डाल रहा हूं मैं, तो ध सारे सा ध सारे गरे सारे ग प ग ग प ध प ग,
गपध सार था गपध साधा पध सारे सा था सारे करे गा। समझे मेरी बात को? मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। स्लो प्ले कर रहा हूँ, फ्रेज के अंदर वो टेक्निक अप्लाई करके। ठीक है ना? इसी चीज को थोड़ा फास्ट प्ले करेंगे तो और लास्ट में मैं ग पे जाके रुक गया। जितनी मेरे पास सांस थी मैंने पूरी लगा दी ग पे, है ना? तो और मैंने फिर क्या किया, वो वाली तकनीक वापस अप्लाई किया रे वाले फ्रेज में और सा वाले फ्रेज में। मतलब वो जो खास चीज है, वो हमारी पहली तकनीक है, उसको बहुत ढंग से हमें मास्टर करना है और फिर अलग अलग फ्रेजेस के अंदर डाल देना है। समझ गए ना? तो दोस्तों अभी जल्दी से मैं आपको फटाफट से पूरा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जिससे कि आप इसको वापस रिवाइज कर लो। सबसे पहले एक तकनीक है जिसमें आपको स्पीड से प्ले करना है, जैसे धसा धसा ये स्पीड से प्ले करना है, सारे सारे है ना, रेग रेग गप गप, या फिर पग पग, धप धप, सद सद, रिसा रिसा। ठीक है, फिर इस तकनीक को आपको एक फ्रेज में अप्लाई करना है। वो फ्रेज क्या है? पध सारे सा धसा रे ग रे सारे ग प ग रे ग प ध प ग प ध प ग पध सारे सा धसा रे ग रे और फिर ग लंबा खींचना है तार सब तक का। तो दोस्तों जब हम तकनीक को फ्रेज में अप्लाई करेंगे तो कैसी आवाज आएगी? इस पे मैं और भी आगे लेसन लेके आऊंगा, लेकिन इसको ढंग से रियाज करना। अब अलग अलग फ्रेजेस अगर हम अप्लाई करेंगे तो अलग अलग धुन बनती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इस फ्रेज को, जो मैंने आपको फ्रेज बताया है, उसको अच्छे से रियाज करें और उसी पे ये तकनीक अप्लाई करें। मैंने रेफरेंस के लिए बहुत बार इस लेसन में प्ले भी किया है, देखना, बहुत बार देखना, अच्छे से सीखना। क्योंकि हम जितनी बार एक चीज को देखते हैं उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे निकलती है, उतना ज्यादा डिटेल में हमको समझ में आता है। तो दोस्तों आइए अब क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल मुझसे पूछे गए थे उनके जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया था विनय जी, नीलेश जी और गौरव जी द्वारा कि तानपुरे पर अगर हमें हमारा फ्लूट का स्केल सेट करना है और सा ट्यून करना है, तो फिर सर आपने प लगाने को क्यों कहा और तानपुरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर? तो दोस्तों अगर आपने मेरा ये लेसन नहीं देखा, जिन्हें ये बातें नहीं पता, तो जाके देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। उसके बिना हर लेसन फेल है, आपकी बांसुरी कभी मीठी बज ही नहीं सकती अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो। विजय विनय जी, नीलेश जी और गौरव जी, आपका उत्तर ये है कि देखिए, जो तानपुरा चलता है ना, तो चाहे उसमें आप फर्स्ट स्ट्रिंग पे सा सेट करो, रे सेट करो, ग म प ध, जो भी ऑप्शन सारे सेट करो, सा तो बजेगा ही बजेगा, है ना? सा की आवाज तो हमेशा आएगी दूसरे स्ट्रिंग के साथ। दूसरे स्ट्रिंग को हमने प में सेट इसलिए किया है कि ताकि आप सभी नोट्स को बड़ी अच्छी तरीके से ट्यून कर पाओ। अगर बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो आप सा की हेल्प से आप सारे ग म को अच्छी तरीके से ट्यून कर सकते हो और प की हेल्प से प ध नि को अच्छी तरीके से ट्यून कर सकते हो, तो उसमें हमको दो स्वर मिल जाएंगे, है ना? और सा और प का कॉम्बिनेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, जिससे हम काफ़ी रिलैक्स फील भी करते हैं और अच्छी तरीके से सभी स्वरों को उसमें ट्यून कर सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि केवल उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग में प सेट करने से प ही बजेगा, उसमें सा की आवाज़ तो आएगी ही, साथ में प की हल्की सी और आवाज़ आ जाएगी, ठीक है ना? दोस्तों एक बड़ा कॉमन सवाल मिलता है जिसपे ऋषभ जी, सिमरनजीत जी, पंचम जी, संदीप जी और जॉय जी ने मुझसे सवाल पूछा है। तो उनका सवाल क्या है कि हम किसी भी गाने को कैसे पकड़ सकते हैं, उनके नोट्स कैसे पहचान सकते हैं? तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा कब से, है ना? तो उसका आंसर क्या है? देखो उसके लिए वैसे मैं अलग से एक बहुत बड़ा लेसन बनाऊंगा, बहुत शानदार वाला, लेकिन अभी समझ लो आप
कि आप जब ऐसे ऐसे अलंकार की प्रैक्टिस करोगे, अलंकार के बारे में जानकारी नहीं है तो जाओ आई बटन पे जाओ जल्दी से, बहुत कुछ सिखाया है काम का, है ना। तो ऐसे अलग अलग अलंकार को प्रैक्टिस करोगे, एक ही फ्लूट पे प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपके कानों में फ्रिक्वेंसी जाने लग जाएगी कि ऐसे करेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी होगी, ध की ये फ्रिक्वेंसी होगी, तो आपके एक मेमोरी बन जाएगी, मसल्स मेमोरी के साथ आपके कानों की मेमोरी बन जाएगी। अगर कोई भी गाने में वैसे कॉम्बिनेशन चल रहे होंगे सुर के, जो आपने अलंकार में प्रैक्टिस किए हैं, जो आपने खूब रियाज किए हैं, तो एकदम से आपकी मेमोरी वहाँ आपकी उंगलियाँ चलने लग जाएगी, क्योंकि मसल्स मेमोरी बन गई है, ईयर की मेमोरी बन गई है, ऑडिबल मेमोरी बन गई है। समझ में आया ना? तो कुल मिला के तो रियाज करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना धीरे सीखोगे उतना अच्छा सीखोगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी और सवाल पूछने हैं तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे मेरे पेज पे पूछ सकते हैं, है ना। आइए मेरे पेज को फॉलो करिए, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, साथ ही मेरी वेबसाइट पे भी अपडेटेड रही है। स्टूडेंट्स उस पर मुझे रिकॉर्डिंग भेजते हैं, पिंकेश मेरा काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट है, मैं इस पर हर जगह कमेंट पढ़ता रहता हूँ। साथ में कृषभ, ऑल द बेस्ट, आप लोगों को ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप लोग का इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आशीष जी और भी बहुत सारे, आनंद जी जैसे स्टूडेंट, प्रिया जी जैसे स्टूडेंट है, अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरे कवर्स को ज़रूर देखना, शेयर करना, मिलियन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।